हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस और कहाँ से आए? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है? निसार अहमद। कहाँ से आए आप ड्राइविंग सीखने? जी मड़ियाओं से। मड़ियाओं से। कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग सीखने का? फर्स्ट डे। इससे पहले कभी कोई कार चलाई? हाँ, दो बार ऐसे ज्यादा चलाई नहीं, दो बार वैन चलाई है। अच्छा, वैन में बैठे हैं, ठीक है। ट्राई किया है, वैन ट्राई किया, मतलब उसको नथिंग समझिए, क्योंकि वैन में आगे बोनट नहीं होता है, तो वैन चलाना आसान होता है, ठीक है। ये है मारुति की ऑल्टो पावर स्टीयरिंग, ठीक है, LXI, ठीक है। इस गाड़ी की जो लंबाई है वो करीब 11 से 11.5 फीट है। चौड़ाई जो है इसकी 5 से और 2 फीट 5 फीट जो आपका ये पिलर है, ये वाला पिलर से पिलर जो है ये 5 फीट, 1 फीट इसका साइड मिरर निकला इधर, 1 फीट इधर निकला है, ठीक है। तो ये टोटल 7 फीट जगह चाहिए। जहां पे आप बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट पे, वो देखो 6 फीट पे फ्लैग रॉड लगा एज ए जजमेंट के लिए। ये जो फ्लैग रॉड लगा ये एज ए जजमेंट के लिए लगा, इससे आपको एक हेल्प मिलती है कि गाड़ी का बोनट कहाँ तक है। न्यू ड्राइवर न्यू बिगिनर के लिए ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आ जाता है ये लेफ्ट वाला आपका पिलर, लेफ्ट वाले पिलर से आपकी गाड़ी के लेफ्ट साइड का अंदाजा मिलता है। फिर आ जाता है लेफ्ट वाला ORBM, इससे आपको गाड़ी की साइड का पता चलता है, ठीक है। अभी आप इंजन ऑन कर लीजिए क्लच दबा के, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। AC ऑन कर लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको, बताता हूँ। इंजन ऑन करो, स्टार्ट करो और बस हो गया, ठीक है। अब देखो ये है स्टीयरिंग व्हील आपका, पावर स्टीयरिंग। अभी जैसे आपने इंजन ऑन किया, अभी ये फ्री हो गया, ठीक है, ये फ्री। अगर लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी का टायर लेफ्ट घूमेगा, राइट घुमाओगे तो राइट घूमेगा। इसमें देखो कितने राउंड होते हैं, 1 राउंड, ठीक, और ये आधा राउंड, ये 1.5 राउंड हो गया, ठीक है। सीधा करने के लिए 1/2 राउंड और ये 1 राउंड पूरा, 1.5 राउंड लेफ्ट घुमा, अब 1.5 राउंड, 1 राउंड ये पूरा और ये 1/2 राउंड, 1.5 राउंड राइट घूम गया, ये 1/2 राउंड और ये पूरा। ये लट्टू जो मैंने लगा रखा वो एज ए जजमेंट के लिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि गाड़ी का स्टीयरिंग कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, देखो नीचे पैर हटाओ, पीछे देखो यहाँ पे, ये वाला पैर भी हटाओ, ये वाला पैर हटाओ। हाँ, गाड़ी गियर में थोड़ी है, देखो नीचे 3 पैंडल हैं, उधर वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, इधर वाला क्लच है। तो एक्सीलेटर का काम क्या होता है? स्पीड देना। बाइक आप चला ही लेते हो तो आपको पता ही है कि क्लच दबा के गियर लगाना होता है। लेफ्ट वाला जो है वो क्लच के लिए, लेफ्ट वाला पैर दबाओ, लेफ्ट वाले पैर से पूरा पुश करो, हाँ, पंजे से। ये पूरा क्लच जाना चाहिए, जब आप गियर लगाओगे या गियर निकालोगे डालोगे तो ये पूरा क्लच दबना चाहिए। और एक्सीलेटर वाला पैर चलेगा वी शेप में, एक्सीलेटर टू ब्रेक, ब्रेक पे पैर रहेगा फिर एक्सीलेटर पे जाएगा, एड़ी नहीं उठेगी, ठीक है। ABC, एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच, ये तीनों पैंडल हैं। तो राइट वाले पैर से एक्सीलेटर ब्रेक, लेफ्ट वाले से क्लच, हो गया। अब आ जाते हैं हम इस गियर पैटर्न पे, इसको बोलते हैं गियर। गियर कब और क्यों और कौन सा कितनी स्पीड में लगाना हो तब वो समझना बहुत जरूरी है। तो अभी गाड़ी का इंजन ऑन हो गया है, तो इसको हम जब भी गियर की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लच दबा के करेंगे। पूरा क्लच दबा लिया, अब ये देखो यहाँ पे ये गियर लीवर है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये कौन सा गियर हो गया? फर्स्ट का डायरेक्शन, ठीक। वापस इसको यही इसी साइड इसको दबा के ये न्यूट्रल हो गया, ठीक, न्यूट्रल भी। और हम डायरेक्ट इसमें सेकेंड में भी के आ सकते हैं, ये हो गया। अब ये जैसे ये न्यूट्रल है, ये बीच वाली जो लाइन है ये अगर यहाँ से यहाँ फ्री है तो ये किसी भी गियर में नहीं है, इसको पूरा लेफ्ट दबाएंगे ऊपर जाएंगे तो पहला गियर हो गया। इधर डायरेक्ट इसको हम दबा के सेकंड गियर में आ सकते हैं, पर सेकंड गियर में डायरेक्ट आना नहीं चाहिए, ये हमेशा न्यूट्रल। न्यूट्रल से एक चीज ये होता है कि आपको ये चीज इसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट। इधर लेफ्ट दबाया पहला गियर, फिर लेफ्ट दबा के ये सेकंड गियर, सेकंड से फर्स्ट में जाने के लिए इधर दबा के आप डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन ये चीज क्लच दबा के करना है, फुल क्लच दबा के करना। अगर आप हाफ क्लच दबाते हैं तो गियर नहीं लगेगा, अटकेगा, कोशिश करोगे तो गियर बॉक्स खराब हो जाएगा क्लच। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पूरा लेफ्ट दबा के पहला गियर। पहले गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 10 to 20, फर्स्ट गियर में गाड़ी को 10 से 20 की स्पीड में आप चला सकते हो और इससे ज्यादा स्पीड में नहीं। फर्स्ट गियर होता है गाड़ी को सिर्फ उठाने के लिए, ना कि चलाने के लिए, ठीक है। सेकेंड गियर की जो स्पीड है वो 20, सेकेंड गियर 20 पे डालोगे और 30 तक चल सकते हो। तो जब आप 20 की स्पीड आपकी गाड़ी में हो जाए तो फिर पूरा क्लच दबा के इधर ला के सेकंड हो गया। फिर थर्ड गियर का क्या मतलब है? थर्ड गियर का 30 to 40, जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक में ये सारी चीजें आप नोटिस करते हो ना, गियर के बारे में, पहला दूसरा तीसरा, ऐसा तो नहीं कि तुरंत पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा कर देते हो स्पीड के, वही चीज समझना बहुत जरूरी है। जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता है। तो ये दूसरा गियर है, अब तीसरा गियर डालना, तो पहले आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 की, फिर आप क्लच दबा के हल्का सा ये न्यूट्रल और इसको ये हल्का सा इधर ला के ऊपर कर दिया, थर्ड गियर हो गया मिडिल में।
थर्ड गियर में आप 30 से 40 चल सकते हो, ठीक है, फिर फोर्थ गियर के लिए 40 की स्पीड होना जरूरी है, फिर ये सीधा सीधा ये चौथा गियर हो गया एकदम मिडिल में, तीसरा ऊपर चौथा नीचे, फिर चौथे के बाद पांचवा आता है वो 60 के बाद लगता है 60 स्पीड पे, वो हाईवे वगैरह पे। तो आपने क्या करना है, इसको न्यूट्रल किया और हल्का सा ये यहाँ पुश किया और ये फिफ्थ गियर हो गया, ठीक। फिर वापस फिफ्थ से न्यूट्रल लाना है, क्लच पूरा दबाए फुल आपका, हाँ ये यहाँ के ये फिफ्थ गियर है, फिर यहाँ से ये रिवर्स गियर हो गया, ये इस साइड लाके ये रिवर्स गियर हो गया, इधर लाके ये, ठीक। फिर ये न्यूट्रल, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये बैक, हो गया गियर क्लियर हो गया। अब ये है हैंड ब्रेक, इसको अनलॉक के लिए, ये लॉक करने के लिए आपको ऐसे उठाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बटन दबा के ऐसे उठाते हैं, पर ऐसे नहीं उठाना चाहिए, हमेशा इसको लॉक करने के लिए यूं लाना है। तो देखो ये अटक अटक के आ रहा है, ये बस हो गया। और अनलॉक करने के लिए पहले ऊपर उठा के बटन दबाना, फिर बटन को दबाए दबाए नीचे ले जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा के ऐसे गिराते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं गिरेगा, पहले ऊपर उठाओ फिर ये अनलॉक करो फिर ये धीरे से, हो गया हैंडब्रेक क्लियर हो गया। अब ये राइट वाले ओ आरबीएम को देखो, दिख रहा है आपको प्रॉपर, और इस लेफ्ट वाले को देखो, दिख रहा है, इस लुकिंग ग्लास को देखो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, दिख रहा है। अब डालो सीट बेल्ट शोल्डर के ऊपर से, अब क्लच को छोड़ दो, क्लच की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गाड़ी गियर में नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है हमारी सेफ्टी के लिए, जैसे टू व्हीलर पे आप हेलमेट लगाते हो वैसे इस पे सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो सीट बेल्ट होती है वो एयरबैग से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ फंक्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर, इसको अगर ऊपर करोगे तो देखो लेफ्ट का सिग्नल हो गया, 100 मीटर 50 मीटर मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 मीटर पहले ये सिग्नल आपको देना है। जब भी अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो इसको ऊपर की तरफ करोगे सिग्नल, जैसे ही आप लेफ्ट स्टीयरिंग करके और वापस राइट करोगे ऑटो कट हो गया, हो गया। अब ये मैंने राइट का सिग्नल दे दिया, जैसे राइट स्टीयरिंग मैंने घुमाई और वापस मैं लेफ्ट लेके आया, देखो ऑटो कट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप सीधा सीधा सिग्नल दोगे, हल्का फुल्का स्टीयरिंग घुमाओगे तो नहीं बंद होगा, तो फिर आपको यहीं से इसको बंद करना पड़ेगा। लेफ्ट ऊपर करोगे लेफ्ट, नीचे करोगे राइट, बीच में ऑफ, ये लट्टू दिख रहा है, इसको एक बार घुमाओगे तो पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और घुमाओगे तो हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। ये इसको नीचे पुश कर दोगे तो ये हाई बीम, अभी सिटी के अंदर चलना है तो लो बीम पे, हाईवे पे चलना तो ये हाई बीम, नीचे दबा दोगे इसको ऐसे तो हाई बीम, मिडिल में लो बीम, और ये डिपर होता है, ये पासिंग डिपर होता है। अब यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, इसको बोलते हैं हजारा स्विच, इसको अगर आप ऑन करोगे तो चारों लाइटें इंडिकेटर जल गई। ये हमें बारिश में, कोहरे में या कहीं गाड़ी को पार्किंग करना नाइट वगैरह में तो इस लाइट का यूज होता है, ठीक है। ये यहाँ से बंद कर दिया हमने, ठीक। अब आ जाते हैं इस पे, इससे चलता है वाइपर, वन टाइम चलाना है तो देखो ये वाटर के साथ, इसको मैंने पुश किया यहाँ से, अगर पानी के साथ चलाना तो मैंने इसको पुश किया, वाटर निकल रहा है। अगर सूखा वाइपर चलाओगे तो स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, तो रात में जब सामने से लाइट पड़ती है तो फिर मकड़ी का जाला टाइप का बन के आ जाता है, तो क्लियर नहीं दिखता है। और अगर पानी नहीं जरूरत है तो ये देखो नॉर्मल चलाना है तो ये चला दिया बारिश वारिश में, तो अभी ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा क्लीन, एक वाइपर ब्लेड इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जिसलिए पानी पूरा क्लीन नहीं हो पा रहा है, समझ गए। तो ये वाइपर इससे ऑन करना होता है, ऑफ हो गया। ये जो गाड़ी है ये इसका जो इंजन है वो 800 cc का है, 800 cc इसकी जो कैपेसिटी है 800 cc, और ये 6 गियर की गाड़ी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और रिवर्स मिला के 6 गियर, ठीक है, एसी गाड़ी है। अब आपने सारी चीजें समझ ली होगी, अब आप दबाइए पूरा क्लच फुल, पूरा क्लच दब गया फुल जी, ठीक। अब आपको करना क्या है, डालो पहला गियर, हो गया। अब राइट का इंडिकेटर दो नीचे को, अब धीरे धीरे गाड़ी को पहले एक बार स्टीयरिंग घुमा लो राइट, एक स्टीयरिंग एक बार पूरा राउंड घुमा लो, पूरा एक राउंड घुमाओ पूरा फुल, बस। अब पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, अपने राइट वाले साइड मिरर को चेक करते रहना कि राइट से कोई गाड़ी व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जाओ धीरे धीरे, ब्रेक जरा सा भी दबा नहीं होना चाहिए, ब्रेक जरा सा दबा नहीं, हाँ धीरे धीरे जाना है, हाफ क्लच ही छोड़ना फुल नहीं, फुल छोड़ोगे गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। छोड़ो क्लच, छोड़ दिया, बस सीधी करो और सीधी करो, बस बढ़ गई, अपना अपनी साइड आ जाओ इधर, हाँ अब वापस सीधी करो स्टीयरिंग, बस ये सीधी, अब क्लच को पूरा फ्री कर दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ,
अभी राइट रखो थोड़ा स्टेयरिंग, अब थोड़ी सी रेस लो, हल्का एक्सेलेटर लो, एक्सेलेटर दबाओ हल्का सा, हाँ अपना लेफ्ट आओ और लेफ्ट और बढ़ाओ स्पीड, बिजी रोड है ना, फिर पीछे वाले लोगों को दिक्कत होगी। गाड़ी अपनी लेफ्ट में रखो, देखो लोग आपको लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि आपने लेफ्ट में ज्यादा जगह छोड़ दी है। और लेफ्ट आओ, अपना लेफ्ट सटा के चलो, आप राइट ज्यादा बढ़ा के चल रहे हो, लेफ्ट सटा के चलो और बढ़ाओ स्पीड थोड़ा सा और, हल्का लेफ्ट आओ, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबाओ और लेफ्ट ला के पीछे खींचो, खींचो और छोड़ो क्लच, हाँ जाने दो, अपना लेफ्ट आ जाओ, क्लच को पूरा रिलीज करो और हल्का सा एक्सेलेटर लो, स्टीयरिंग को सही से पकड़ो, थ्री और नाइन पे, थ्री और नाइन पे लेफ्ट आ जाओ हल्का, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है, यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है, लेफ्ट आ जाओ, बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे, और बढ़ाओ, हल्का सा रेस लो हल्का सा, हाँ क्योंकि हल्की सी चढ़ाई थी, और अपना लेफ्ट आ जाओ। अब सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्लच और ब्रेक पे पैर रख लेना, दबाना नहीं है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती वो होती 10 to 20, सेकंड गियर की जो स्पीड होती वो 20 to 30, थर्ड गियर की जो स्पीड होती 30 to 40, फोर्थ गियर की जो स्पीड होती 40 to 60, और फिफ्थ गियर 60 अबव। तो हम फर्स्ट और सेकंड गियर में बिना एक्सेलेटर को भी गाड़ी को धीरे धीरे हम चला सकते हैं। जैसे बाइक में क्या होता है कि अगर आप एक्सेलेटर छोड़ दोगे तो गाड़ी थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, पूरी चलेगी नहीं वो, है ना, लेकिन कार में ऐसा नहीं होता। ये हाथ यहाँ पे होना चाहिए आपका, हाँ यहाँ पे, और कस के नहीं पकड़ना बाइक की तरीके से, हल्के हाथों से इसको जितना लाइट पकड़ोगे, ये यहाँ पे जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, समझ रहे हो, जितना आप लाइट पकड़ोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। लेफ्ट आओ, हाँ अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले आरबीएम को दोनों को चेक करते रहना है ताकि ये पता चलता रहे कि हमारे लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है, ठीक है। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ, और गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट लेके आओ, हाँ अभी जब मैं बोलूंगा तो इसको रोकना है, तो अभी आप चल रहे हो सेकंड गियर में, सेकंड गियर में गाड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले क्या दबाना चाहिए, पहले पूरा क्लच 100% क्लच दबाना है, और हल्का लेफ्ट लेके आओ गाड़ी, अब पूरा फुल क्लच दबाओ, अब धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, क्योंकि ब्रेक डिस्क ब्रेक होता है, ये पावर ब्रेक नहीं, डिस्क ब्रेक, ठीक। अब इसको क्या करना है, क्लच दबा रखा है, अब इसको करो फर्स्ट गियर, मेरी तरफ दबा के ऊपर ले जाओ, हाँ अब ये हो गया फर्स्ट गियर। तो अभी पहले क्या छोड़ना है, ब्रेक, पहले ब्रेक को प्रॉपर रिलीज करो, फ्री कर दो ब्रेक को, हाँ अब हल्का सा क्लच छोड़ना है, 50% के आसपास क्लच छोड़ोगे गाड़ी धीरे 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 खिसकने लगेगी, जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो धीरे, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत धीरे धीरे, वेरी गुड, क्योंकि गाड़ी में चल रहा है एसी। पर यहाँ पे एक मिस्टेक करी आपने, क्या करा पता चला, आपने सिग्नल राइट का नहीं दिया, सिग्नल लेफ्ट का ही हो रहा है, सिग्नल राइट का दो नीचे को, हाँ अब चलो क्लच को फ्री कर दो, अब हल्का सा एक्सेलेटर ले लो, जाओ रेस लो हल्का, और लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, क्योंकि यहां से हमें टर्न करना है, हल्की सी स्पीड मेंटेन करो और फर्स्ट गियर में ही रखना इसको। अब धीरे धीरे यहां से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करो, और लेफ्ट दबाओ गाड़ी, स्टीयरिंग घुमाओ लेफ्ट, बस हाँ घूम ही रहने दो और घूम ही रहने दो, और अभी नहीं, अब सीधी करो, जाओ हल्का रेस लो, क्लच को फ्री करो, स्पीड मेंटेन करो, पहले स्पीड मेंटेन करो, स्पीड एक्सेलेटर लो, सेकंड गियर के लिए पहले 20 की स्पीड लाना कंपलसरी है, और बढ़ाओ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के दूसरा गियर, पूरा क्लच दबा के फटाफट पीछे खींच दो, गुड, छोड़ दो क्लच, पहले गियर में धीरे धीरे क्लच छोड़ना, दूसरे गियर में हम जल्दी क्लच को छोड़ सकते हैं,
जिससे कि गाड़ी की हमारी स्पीड बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। चलो हल्का राइट रखो, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट आ जाओ, पीछे गाड़ी आ रही है आपके, हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, बस जाने दो उसको। चलो छोड़ो क्लच, निकलने दो, राइट दबाओ हल्का राइट, हाँ बस, और राइट दबाओ थोड़ा, बस देख के बाइक है। चलो हल्की रेस लो, स्पीड मेंटेन करो। अपने राइट वाले साइड मिरर को बार बार चेक करना है और लेफ्ट वाले को बार बार, ताकि हमें ये पता चलता रहे ना कि हमारे लेफ्ट और राइट से आ क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें सामने का तो दिख रहा है भाई, सामने से बाइक आ रही, कार आ रहा, रिक्शा आ रहा है, लेकिन हमें साइड का नहीं पता चलता। अब ये रोड देख रहे हैं, 8 से 10 फीट का रोड है, इस रोड की जो चौड़ाई है वो 8 से 10 फीट की है। हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, बस जाने दो धीरे धीरे, और राइट रखो थोड़ा, लेफ्ट में ज्यादा उतर जाएगी फिर नीचे। अपनी लेफ्ट वाले टायर को आप बॉर्डर लाइन से नीचे मत उतारना। हाँ, अगर इनके सामने से कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह आ रहा है, जैसे कि लग रहा है दो गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे मौका देख के, जहां पे रोड एकदम सही हो, वहां से नीचे उतार लेना है। और नीचे उतारते वक्त राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे होना चाहिए, और फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। और वापस जब वो गाड़ी निकल जाए तो उसके बाद वापस आप रोड पे आ सकते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अभी लेफ्ट आ जाओ, पीछे देखो सामने से गाड़ियां आ रही है, आपने लेफ्ट में ज्यादा, जब भी सामने से कोई गाड़ी आए तो ब्रेक पे पैर रख लिया करो। पास देते वक्त, जैसे अभी इसको पास दे रहे हो, आप दे रहे हो साइड, तो उस वक्त ब्रेक पे पैर इसलिए रखना जरूरी, क्योंकि आप लर्नर हैं, आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो कहीं बाई मिस्टेक ऐसा ना हो कि ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दब जाए, तो इसलिए ब्रेक पे ही पैर होना चाहिए, बाई मिस्टेक एक्सीलेटर पे पैर नहीं जाना चाहिए। और ये कब तक रखना है, जब तक कि आपको एक्सीलेटर और ब्रेक का अच्छे से ज्ञान ना हो जाए, नॉलेज ना हो जाए, अच्छे से उसको हम सीख ना जाए कि एक्सीलेटर के लिए एक्सीलेटर, ब्रेक के लिए ब्रेक। नए ड्राइवर्स के साथ हमेशा ये दिक्कत आती है, सोचता ब्रेक है दब जाता है एक्सीलेटर है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी एकदम सीधा जाना है आपको, अभी हल्का सा एक टायर नीचे उतारो, एक टायर नीचे उतारो फुटपाथ पे, हाँ अभी थोड़ा और आगे जाने दो, लेफ्ट आओ हल्का लेफ्ट। अब यहाँ पे रोकना है पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, स्टॉप करो, स्टॉप, हाँ स्टॉप, बस। अब देखो गड्ढे में आपका एक टायर उतर गया, देखा आपने, एक टायर आपका खड़ंजे से नीचे उतर गया, ये देखो। अब इसको पहले गियर में करो, हो गया। अब हल्का स्टीयरिंग राइट घुमाओ, बस। अब पहले ब्रेक छोड़ो, फिर हल्का पहले एक्सीलेटर लेके रखो, क्योंकि गड्ढे में टायर जा चुका है आपका, तो पहले हल्का रेस लो, हल्का रेस लो, और अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हल्का रेस के साथ छोड़ो क्लच, बस इससे ज्यादा नहीं, निकल गया। अगर आपने इतना एक्सेलेटर नहीं लिया होता तो क्या ये गाड़ी निकलती, इंजन बुझ जाता, तुरंत झटके मार के इंजन बुझ जाता, क्योंकि सबसे ताकतवर पहला गियर होता है। गाड़ी में एसी ऑन है तो अभी जैसे आप क्लच को रिलीज करते वैसे गाड़ी का इंजन झटके मार के बंद हो जाता, ठीक है। तो अभी स्पीड बढ़ा लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई का फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, क्योंकि बाइक चलाता है तो इसको क्लच ब्रेक वगैरह का आइडिया है, तो इसलिए बहुत अच्छा, हम फर्स्ट डे के हिसाब से कहेंगे बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम।